हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडेंट पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार, MSTCET 2023 के स्टूडेंट हो। तो यार ऑप्शन फॉर्म फिलिंग भी जो है आप लोग की फाइनली ओवर हो चुकी है। अब जो है आगे का प्रोसेस यही रहेगा कि ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के अकॉर्डिंग आप लोग को जो है एक कॉलेज अलॉट होगा। वो कब अलॉट होगा? तो वो होगा 25 जुलाई 2023। बहुत बड़ा दिन भाई, रिजल्ट से भी बड़ा दिन होता है 25 जुलाई 2023। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस दिन आप लोग को यार आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग एक कॉलेज अलॉट किया जाता है। ठीक है, आपने चाहे 30 कॉलेज सिलेक्ट किए हो, 60 किए हो, 100 किए हो, 2 किए हो, 5 किए हो, आपके कॉलेज के लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग को एक कॉलेज अलॉट होगा जिसमें आपका कट ऑफ जो है मैच खाएगा। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, अंकित सिंह को सब्सक्राइब करके रखना है, जब भी रिलीज होगा आपको अपडेट तो दी जाएगी। साथ ही साथ अब आगे का क्या प्रोसेस होगा, अलॉटमेंट होने के बाद आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, और चाहे जिस बच्चे को कॉलेज नहीं अलॉट होता है उसको कैप राउंड 2 में क्या करना होता है, और फिर जिसको कॉलेज अलॉट होता है पर उसको नहीं लेना है और बेटरमेंट करना है तो उसको क्या करना होता है, सारी अपडेट दी जाएगी। मेरा पेड काउंसलिंग है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लेके रखो, क्योंकि यार फोन पे बात करोगे तो मैं फटाफट रिप्लाई करके आपको बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं, और अगर कमेंट वगैरह करते हो तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है उस पर वीडियो वगैरह बनाने में। ठीक है, तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो करता हूँ, थैंक यू।